जनपद मुजफ्फरनगर में आज जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए 24 घंटे के लिए कर्फ्यू में भी कोरोना ने अपना कहर जमकर बरसाया। जनपद में आज 18 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि सुबह ही 2 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें एक खालापार और एक तितावी की महिला थी। उसके कुछ देर बाद ही जिला प्रशासन द्वारा जानकारी मिली कि 149 सैंपल में 16 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो कि 10 कवाल, 2 रामपुरी, 1 भरतिया कॉलोनी और 1 लद्दावाला, 1 मंसूरपुर तथा 1 खालापार का निवासी है। सभी को जिला प्रशासन ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं प्रशासन द्वारा मिले आदेशानुसार फायर ब्रिगेड की टीम ने सभी क्षेत्रों को सैनिटाइज किया। आपको बता दें कि अब जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 98 हो गई है। आज 149 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसमें से 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इसमें 16 व्यक्तियों में से जो है 10 व्यक्ति कवाल के हैं, 1 लद्दा वाला और 1 मंसूरपुर भरतिया कॉलोनी से, 1 रामपुरी से, 2 खालापार से, 1 और साथ ही साथ जो है 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि पेशेंट ठीक हुए हैं और इसके अलावा 2 व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो कि प्राइवेट लैब से उन्होंने टेस्ट कराया था, उनके बारे में सूचना मिली है। एक के बारे में आज पता चला, एक बारे में कल रात में पता चला था, तितावी की एक महिला के बारे में पता चला था रात में और एक सुबह खालापार के बारे में। तो अगर सबको जोड़ लेते हैं हम लोग तो इस समय वर्तमान में 98 हमारे पास एक्टिव केस हैं इस समय वर्तमान में जब जनपद मुजफ्फरनगर में, और इन सभी को जो है बेगरापुर, जो भी पेशेंट हैं सबको बेगरापुर मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम भेजी जा रही है वहाँ पर मौके पर और जा करके अपना कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और बाकी जो भी कार्रवाई है वो सब करेंगे। ताज़ा और तेज़ खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।